देखिए, जो गोदी मीडिया रोज की खबरें निष्पक्षता और स्वतंत्रता से नहीं दिखाता, जो मीडिया चुनाव के दिन मतदान की जो मतगणना हो रही है उसका रिजल्ट सही नहीं दिखाता, उस मीडिया से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि उनका सर्वे सही हो सकता है? ये सर्वे ही अपने आप में तमाशा है। जिस दिन मतगणना होती है उस दिन मैं सभी चैनलों को देखता हूं और साथ में चुनाव आयोग की वेबसाइट को भी देखता हूं। पिछले 10 सालों से मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, दोपहर तक कोई भी मीडिया बीजेपी को हराता नहीं, और जब मजबूर हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं बचता, तब सही परिणाम दिखाने प्रारंभ करते हैं, और खबरें तो रोज झूठ फैलते ही फैलते हैं। तो ऐसे मीडिया के सर्वे का कोई विश्वसनीयता है? यही अपने आप में मजाक है। और मुझे, आपको भी पता होगा, एक मीडिया हाउस ने कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की जीत भी घोषित कर दी थी, जी न्यूज ने, 11 बजे, जबकि उस समय कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी थी। और आप जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, यदि आप अपना पुराने 5 साल पहले 4.5 साल पहले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर जब कांग्रेस भारी मतों से आगे थी तब भी मीडिया कह रहा था कुछ भी हो सकता है, जबकि 15 और 65 सीटें जीती हैं, 15 उनकी थी, 67 कांग्रेस की थी। तो आप अंदाजा लगा लिए, जो मीडिया मतगणना की रिपोर्ट सही नहीं बताता वो सर्वे की क्या बताएगा। दूसरा सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आप एक दिन पहले या घोषित करते हैं सीटों की, चाहे वो मध्य प्रदेश की है चाहे वो छत्तीसगढ़ की है, और उसके 6 घंटे के अंदर अंदर आपने कब सर्वे कर लिया, किन से सर्वे कर लिया, यही अपने आप में आश्चर्य है। और कोई भी सर्वे करने वाली कंपनी ये नहीं बताती कि उस सर्वे का खर्चा कितने आया था, किसने सर्वे करवाया था। ये जो मीडिया हाउस है ये विज्ञापनों के लिए अपनी जमीर बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए झूठी खबरें प्रसारित कर देते हैं। क्या वो अपने पैसों से सर्वे करवाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। जब वो सर्वे ही नहीं करवा रहे, प्रायोजित सर्वे, कोई सर्वे नहीं होता। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं बहुत सक्रिय व्यक्ति हूं, मैं बाहर की बात तो नहीं कहता, हरियाणा के गांव-गांव को जानता हूं, हरियाणा के गांव-गांव को देखता हूं। मैंने केवल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार, शायद 1991 में एक सर्वे करने वाली व्यक्ति को बावड़ के बूथ पर देखा था, वरना मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिस दिन ये पोल का सर्वे करते हैं, मतदान का पोल, मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि मैं सैकड़ों बूथों पर जाता हूं और सैकड़ों बूथों के लोगों से पूछता हूं, क्या भाई तुम्हारे यहां कोई सर्वे हुआ? मुझे एक भी व्यक्ति कहने वाला नहीं मिला कि हमारे यहां सर्वे हुआ। हो सकता है संयोग हो। तो ये सर्वे वर्वे कुछ नहीं होते, ये झूठ है, और इनका एकमात्र लक्ष्य है, चाहे मोदी जी जीते या मोदी जी हारे, मोदी और भाजपा को जिताना और कांग्रेस विपक्ष को हराना। जब इंडिया गठबंधन एक हो गया और फिर ये कह रहे हैं कि उनकी 156 सीट आएगी, तो मैं समझता हूं ये सर्वे करने वाले क्या तो महामूर्ख लोग हैं, और या ये बहुत बिके हुए लोग हैं। जब विपक्ष अलग अलग लड़ा था, पुलवामा का मोदी जी का जलवा था, राष्ट्रवाद के नाम पर, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के नाम पर भारी लोगों के अंदर अफवाहें फैलाकर जोश पैदा किया था, तब भी विपक्ष के 146 एमपी आए थे, और आज कह रहे हैं 155-156 आएंगे, तो यही अपने आप में एक मजाक है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।